जनसंख्या और स्वाभाविक रूप से एक बिहार की नकारात्मक छवि पेश की जा रही है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है और पिछड़ापन का कारण इसी को माना जा रहा है। यह तर्क कहीं ना कहीं विमर्श की स्थिति में है। तो बिहार की नकारात्मक छवि बिहार की पेश करने की एक तैयारी की जा रही है। तो मैं समझा कि हम लोगों ने समझा, हमारी पार्टी ने समझा कि तथ्यों का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। तो जनसंख्या नियंत्रण या स्थिरीकरण पर जो विमर्श का विषय है, मैं उस संबंध में, ये हमारे आंकड़े नहीं, राष्ट्रीय पारिवारिक जो सर्वेक्षण है NFHS की रिपोर्ट, वह रिपोर्ट कहता है कि बिहार के बारे में जो नकारात्मक छवि असत्य जो बोला जा रहा है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। NFHS की रिपोर्ट में जो हमारा प्रजनन दर था बिहार का 2015-16 में 3.41 और 2019-21 में हुआ 2.98, 0.43 का प्रजनन दर में कमी आई है बिहार का। तुलनात्मक अध्ययन कर ले लो, देश के अंदर नागालैंड को छोड़कर देश में सर्वाधिक प्रजनन दर को किसी ने नियंत्रित किया है तो वह माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया है। ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े NFHS के आंकड़े हैं और इन आंकड़ों के आधार पर देश में हम लोगों ने जो कमी लाई है 0.43% की कमी आई। और हम ये बताना चाहते हैं जो लोग इस पर विमर्श कर रहे हैं उनको यह देखना चाहिए कि जो राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल एवरेज जो इस मामले में है 0.20 और बिहार का 0.43, नेशनल एवरेज से दुगना बिहार ने इस दिशा में काम किया है। एक हमारी यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दूसरा यह कहा जाता है कि जनसंख्या घनत्व ही आपके पिछड़ेपन का कारण है, ये कुतर्क दिया जा रहा है और बिहार के एक नकारात्मक छवि पेश करने की कोशिश होती है यह। तो मैं उनसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए, तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।